Ladies and gentlemen, it is finally happening. Saitama और Blast अब team up कर रहे हैं ताकि वो God को defeat कर सके। और हाँ, Flashy Flash भी। You see, Flashy Flash के पास भी काफी close connection है towards God। एक पुराना connection जो कि उसके बिल्कुल childhood में लेके जाता है। एक fight with Saitama, चूंकि you know, I don't think कि मुझे कहने की जरूरत है। Geno escaped Baldi और Forlock in the face. Sorry. सारे लोग दौड़ रहे हैं ताकि वो एक मॉन्स्टर अलर्ट को आंसर कर सके। रियल सरप्राइज ये है कि स्पीडर साउंड सोनिक अब वापस आ चुका है। That's not all. Hellfire Flame और Gale Wind भी अब वापस आ चुके हैं। अब जिन लोगों को इनके बारे में पता नहीं है, ये दो मेंबर थे ऑफ मॉन्स्टर एसोसिएशन जिन्होंने स्पीड सोनिक को वहां पे रिक्रूट करने का ट्राई किया था, जिनको फ्लैशी फ्लैश ने डिफीट किया और लेटर इवन साइतामा ने भी उनको डिफीट किया। लेकिन इस बार उन्हें साइतामा में इंटरेस्ट नहीं है, एज यू सी कि अब वो इस बार फ्लैशी फ्लैश को देख रहे हैं। और एटलीस्ट यही एक छोटा प्लान था। एस मॉन्स्टर उन्हें सडनली अटैक करते हैं। फ्लैशी फ्लैश क्विकली उन्हें डॉज करके अटैक करता है, लेकिन नो लक, वो एक सब्स्टिट्यूशन जूत्सु का इस्तेमाल करते हैं। मीनवाइल सोनिक भी एक्चुअली एक सेम चीज ट्राई करता है टू साइतामा, लेकिन यप, कहीं ना कहीं साइतामा अब तंग आ चुका है कि एस क्लास हीरोज और मॉन्स्टर उसे बार बार चैलेंज कर रहे हैं। ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी विद चेनोस, कारो, तात्सुमाकी और इवन अमाई मास्क, जो कि अब सारे लोग यही फील कर रहे हैं कि उनकी अब डेथ नियर है। नो वंडर कि साइतामा चैलेंज के रिलेटेड काफी डिप्रेस रहता है और वो फ्लैशी फ्लैश को कह रहा था कि वो घर वापस चला जाए, उसे किसी भी चीज से डील नहीं करना, जैसे कि टीचिंग या फिर लर्निंग या फिर कम्पीटिंग या फिर इवन ट्रेनिंग, क्योंकि साइतामा को पता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो उन्हें ब्लास्ट करने वाला है। लेकिन गेस व्हाट, सारे लोगों को लगता है कि ये साइड से साइतामा लैग करता है कॉन्फिडेंस में। सारे लोग साइतामा के मोरल को बूस्ट करने के लिए उसकी छोटी तारीफ करने लग जाते हैं। देन वो इसी कंक्लूजन में आता है कि कोई उसे नहीं समझ सकता, वो बस क्यों ना किंग के साथ जाके गेम खेले। और देन एंट्री होती है किंग की। साइतामा किंग से पूछता है कि क्या उसने मोनैको को देखा है, और काफी इतफाक से फनीली इनफ उसने उसे देखा है, जिनके पास भी नोटिफिकेशन बेल ऑन है। और एक कीन आंख के साथ तुम सबको पता होगा कि किंग ने कहीं ना कहीं मोनैको को देखा था। ये चीज हमें दिखाया गया था इन चैप्टर 192। सो वो दोनों अब एक लॉन्ग जर्नी में जाते हैं जहाँ पे वो इस मॉन्स्टर को ट्रैक कर सके। ये एक ऐसा टास्क हो सकता है जहाँ पे लोगों को हफ्ते, दिन या फिर साल भी लग सकते हैं। साइतामा ने उसे कुछ 3 panels में ढूंढ लिया। However, शहर में एक ऐसा इंसान है जो कि हमें इसके रिगार्डिंग कई क्लूज दे सकता है कि ये है कि somehow मॉन्स्टर सेल्स को अलग किया जाए। मॉन्स्टर सेल्स को अलग करके मॉन्स्टर हमेशा की तरह ह्यूमन बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जीनोस, वन पंच मैन के यूनिवर्स में मॉन्स्टर कोई इसलिए बनता है क्योंकि उसके पास बैड हैबिट्स होते हैं या फिर वो कहीं ना कहीं अपने आप से डिससैटिस्फाइड फील करता है। इन्हीं फैक्टर के चलते सेल रिस्पॉन्स करते हैं और वो नॉर्मल ह्यूमन से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इट सीम्स लाइक कि मॉन्स्टर सेल को हटाने का प्रोसेस अभी काफी दर्दनाक है, जिसे देख के मोनैको डर के मारे कांपने लगती है। वो बैग करती है कि वो उस पे ये यूज ना करे क्योंकि फर्स्ट प्लेस में वो कभी ह्यूमन ही नहीं थी, क्योंकि यू सी मोनैको एक लैबोरेटरी मॉन्स्टर है। लेकिन एक्सपेरिमेंट शायद से थोड़ा बहुत काम कर रहा है क्योंकि वन ऑफ द मॉन्स्टर राउंड 2 के लिए पूछता है। ये दिखा रहा है कि अभी भी इन मॉन्स्टर्स के बीच में उनके अंदर का ह्यूमन अभी भी बाकी है। ब्लास्ट यही कहता है कि की है उनका मॉरल। जब कोई मॉन्स्टर सेल को खाता है तो वो अंदर से ही उनकी ह्यूमैनिटी या फिर मॉरल वैल्यूज को डिलीट कर देता है। देखो कि ये है कि वो वापस से मॉरल को गेन करे ताकि वो वापस ह्यूमन बन सके, क्योंकि आफ्टर ऑल रिमेम्बर साइतामा रिप्रेजेंट करता है एक स्पिरिटेड इंसान को, जो कि ऑल्सो एक्सप्लेन करता है गॉड के सिनेरियो को, जो कि वीक माइंडेड लोगों को ही टारगेट करता है। जैसे गॉड ने जब होमलेस एम्परर को अप्रोच किया, होमलेस एम्परर अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे था। Another similar case being Psychos. In fact, अब हमें रिवील होता है इन चैप्टर 196 कि फ्लैशी फ्लैश और सुपरसोनिक को भी यही सिमिलर ऑफर आए थे। इनफैक्ट हमें ये बताया गया है कि सोनिक एक स्पेशल सोल के साथ पैदा हुआ था। That's the reason कि जब उसने पहली बार मॉन्स्टर सेल को खाया, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ।
यही चीज उन दोनों को आउटलायर्स बनाती है अमंग द निंजा विलेज, एंड दैट्स द रीजन कि उन्होंने अपने लीडर को ज्वाइन नहीं किया और वो हेवनली निंजा पार्टी के हिस्सा नहीं बन गए। इनके पास गोल है, उनके पास ड्रीम है, इनके पास पर्पस है। इन दोनों ने एक दूसरे से वाव किया था कि ये दोनों मिलके अपने विलेज को डिस्ट्रॉय करेंगे और एक न्यू विलेज बनाएंगे। सीन आता है वापस फ्लैशी फ्लैश में, जहां पे वो ब्लास्ट से पूछता है कि आखिर उसे गॉड के बारे में क्या पता है और स्पेशली गॉड का निंजा विलेज के साथ क्या एफिलिएशन है। यू सी, जब फ्लैशी फ्लैश और सोनिक जब बच्चे थे, उन्होंने एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर किया था और वहां पे उन्हें दिखा था गॉड का क्यूब। ये हमें वापस लेके आती है वापस उसी थ्योरी में, जो कि बिल्कुल टाइम जितना ही पुराना है। जस्ट लाइक बाकी सारे एरिया की तरह जहाँ पे गॉड के पुराने कनेक्शंस थे, यहाँ पे भी इन दोनों का एरिया भी बिल्कुल सेम है। एंड इनफैक्ट ब्लास्ट ने निंजा विलेज को अटैक किया है और उसे डिस्ट्रॉय किया है, और हर एक चीज जो कि ब्लास्ट करता है वो कनेक्टेड होता है टू गॉड। ब्लास्ट ने रिवील करता है कि इस क्यूब का काम यही है कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह काम करता है। जब कोई इस क्यूब को छूता है देन वो गॉड के साथ कनेक्शन में आता है। ये रिवील होता है कि जब ब्लास्ट ने उस निंजा विलेज को डिस्ट्रॉय किया था, तब उसने वहां के लीडर को भी कोमा में भेजा, और फाइनली इनफ टर्न्स आउट टू बी कि ये लीडर ब्लास्ट का एक काफी अच्छा दोस्त था जिसका नाम था एम्प्टी वॉइड। वेब कॉमिक्स में हमें ये कहा गया है कि ये निंजा 300 साल से असैसिनेशंस कर रहा है। ये मेंशन है कि वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा था और वो अकेले ही सारे असैसिनेशन पूरे के पूरे ग्रुप को अकेले ही फेस कर सकता। वो निंजुत्सु परफॉर्म कर सकता 4 से 5 बार, वो भी 0.2 सेकंड्स में। However, लेकिन ये क्लियर है कि वन पंच मैन का मांगा एग्जैक्टली उन्हीं सारे चीजों को फॉलो नहीं कर रहा। इनफैक्ट हमें ये चीज रिवील हुआ है कि एम्प्टी वॉइड का पावर वो ओनली पावर था जो कि गेट को खोल सके ऑफ दैट सेलेस्टियल रॉक केव। वेल, नाउ इसका मीनिंग क्या हो सकता है? ये है रेफरेंस फ्रॉम द जापानीज मिथोलॉजी। ये एक कहानी है कि जापानीज गॉड ऑफ स्टॉर्म सुसानो ने अपनी बहन अमातरासु, जो कि गॉडेस ऑफ सन है, उसे इतना तंग किया कि वो केव में जाके छुप गई। नाउ सेंस अमातरासु गॉडेस ऑफ लाइट थी, पूरे दुनिया से लाइट का नामोनिशान चला गया। नाउ ये थोड़ा सा सिमिलर साउंड करता है क्योंकि हमें मेंशन था इन चैप्टर 139 जब साइतामा, फ्लैशी फ्लैश और मोनाको ने पहली बार उस क्यूब को छुआ था, देन वो दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए थे, और जब उन्होंने उस वॉल के छेद से देखा वहां पे कंप्लीट पिच ब्लैक था। लेकिन एक चीज जो कि हमें पता है जो कि उस साइड में था वो था गॉड। देन सडनली फ्लैशी फ्लैश के लिए एक लेटर आता है। इस लेटर में लिखा है कि वो इंसान अब वापस उठ चुका है, वो तुम्हारे सर के पीछे है, एंड टाइम टू सेटल द स्कोर। टाइमिंग इंडिकेट कर रहा है कि आखिर वो है कौन। ब्लास्ट 15 साल पुराने बैटल को यूज करता है जो कि उसने उसके साथ किया था। ब्लास्ट ये मेंशन करता है कि वॉइड काफी पहले उठ सकता था, लेकिन उसका इतना लेट रिकवर होना यही है कि वो एक परफेक्ट कमबैक के लिए आया है। लेकिन फ्लैशी फ्लैश चला जाता है सोनिक के पास, जहाँ पे वो अपना 1v1 ड्यूल सेटल करना चाहता है विद सोनिक। इन द मीन टाइम ब्लास्ट निंजा विलेज के लीडर के साथ फेस टू फेस करने वाला है, और वो इनफैक्ट साइतामा को इनवाइट भी देता है कि क्या वो उसके साथ आने वाला है। ब्लास्ट को ये नहीं पता कि साइतामा इतना पावर होल्ड करता है कि वो पूरे के पूरे कॉस्मोस को ही चेंज कर सकता है। ये इसलिए क्योंकि रिमेम्बर उसके लास्ट फाइट में उसने पूरे के पूरे रियलिटी को ही चेंज कर दिया था। इनफैक्ट खुद साइतामा को ही ये नहीं पता कि उसने गारू को डिफीट किया है। ओनली पर्सन जिसे इन सारे चीजों के बारे में पता है वो है चिनोस, और वो सारे लोगों को आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स में एक्सप्लेन करता है। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।